दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप स्नैपचैट यूज करते हैं और स्नैपचैट के अंदर अपना यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये स्नैपचैट है और अपने हम स्नैपचैट का यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। स्नैपचैट के अंदर एक ऐसा फीचर आ चुका है जहाँ से आप अपना यहाँ पर यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। पहले क्या था, स्नैपचैट के अंदर आपको यूजर नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। आपने अकाउंट को डिलीट करने के बाद ही अपना एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसी में अपना यूजर नेम आप अपने मन पसंद कर रख सकते हैं। बट अब इसके अंदर एक नया अपडेट आ गया है, आप अपने मन पसंद का एक यूजर नेम फिर से आप बना सकते हैं। अगर आपका यूजर नेम आपको पसंद नहीं है तो उसे आप हटा के एक नया बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे यहाँ पर आपका मिल जाएगा प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपका यूजर नेम और उसके बाद यहां पर आपको सेटिंग का आइकन मिलेगा। सबसे ऊपर राइट साइड पर आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहां पर आप देखेंगे ये आपका यूजर नेम है और ये आपका यहां पर यूजर नेम लिखा हुआ है और इसके आगे एक छोटा सा ये एरो आ चुका है। पहले ये एरो आपको नहीं दिया जाता था यहां पर स्नैपचैट के अंदर, तो आपको अपने इस स्नैपचैट के यूजर नेम पर आपको क्लिक करना है, अपने यूजर नेम पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा चेंज यूजर नेम और यहाँ पर आपको बता भी दिया जाता है, आप इसे रीड कर लीजिए। यहाँ पर आपको बताया जाएगा दिस इज हाउ योर फ्रेंड फाइंड एंड एड यू ऑन स्नैपचैट, यू कैन ओनली चेंज यू यूजर नेम वंस ए ईयर। यानी कि आपको यहाँ पर बताया जाता है कि अपना यूजर नेम सिर्फ एक ईयर में एक ही बार चेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी चेंज करेंगे तो उसके बाद आपको एक साल तक वेट करना होगा और उसके बाद ही अपना यूजर नेम चेंज कर पाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से सोच समझ के अपना यूजर नेम बनाना है क्योंकि आप फिर चेंज नहीं कर पाएंगे वन ईयर तक। तो आपको यहाँ पर चेंज यूजर नेम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से बताया जाएगा, फिर से आपको इसमें पॉपअप में बताया जाएगा कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप एक साल तक चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ हम कंफर्म कर रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब आपके सामने आ चुका है जो भी आप यूजर नेम बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना यूजर नेम बना लेंगे। जैसे हम यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल देते हैं, यूजर नेम डालने के बाद आपको एक यूनिक यूजर नेम बनाना है ताकि किसी का भी वह यूजर नेम ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यह यूजर नेम किसी के पास अभी तक नहीं है। अगर हम इसमें यहाँ से थोड़ा सा कट करते हैं, इस तरीके से रखते हैं, तो ये यूजर नेम अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि ये यूजर नेम कोई और भी बना चुका है अपने स्नैपचैट के अंदर। तो आपको अपना यूनिक यहाँ पर रख लेना है और जैसे आप यहाँ पर अपना यूनिक रख लेंगे और नीचे मिल जाएगा आपको नेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कर देंगे, जो आपका यूजर नेम होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो हमें अभी यहाँ पर यूजर नेम चेंज नहीं करना है क्योंकि हमारा जो यूजर नेम है वो हमारा सही है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पर स्नैपचैट का यूजर नेम आप चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर फुल स्टेप और डिटेल्स के साथ बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।